मुंबई की एक खास बात है कि वो आपको पेशेंस कैसे रखते हैं वो सिखा देता है, क्योंकि जब आप मुंबई के ट्रैफिक में फंसते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, जो पेशेंस आपको मुंबई सिखा देता है। और आज वही हुआ हमारे साथ कि हम लोग एक बहुत ही लॉन्ग वीकेंड के लिए हम लोग निकले, और हम अपने घर से निकले और उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचने के लिए अपने को 2 घंटा लगा। बट फाइनली 2 घंटे बाद हम लोग सूरत हाईवे पे आ गए हैं, और अभी हम एक जगह रुके हैं जहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम वसई विरार में भजनलाल डेयरी जो है, भजनलाल डेयरी फार्म, वहाँ पे हम लोग रुके हैं और हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप टूवर्ड सूरत जा रहे हैं तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा मुंबई से निकलने के बाद, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, पकौड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। जो प्योर डेयरी आइटम होती है वो यहाँ पे आपको सारी मिलेंगी, बट अदरवाइज कुछ और ऐसा नाश्ता स्पेसिफिक इडली सांभर वड़ा वो सब नहीं मिलता। ओए तबेला हो रही है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं जहाँ से वो लोग डेली मिल्क सप्लाई भी करते होंगे बहुत सारी जगह पे, और यहाँ का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं इनकी इस रेस्टोरेंट में वो सब यहीं भैंसों के मिल्क से बनता है। तो हमारा जो 2 नाइट्स का हम लोगों ने जो प्लान किया है, जो लॉन्ग वीकेंड है 15 अगस्त वाला, वो हमने प्लान किया है कोई एक लेस नोन प्लेस है। अगर हम कहेंगे कि मुंबई के लोग या मुंबई में जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, या तो हम लोनावला जाते हैं या इगतपुरी जाते हैं या हम लोग महाबलेश्वर जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और ये प्लेस मुंबई से तकरीबन 2 घंटे की हार्डली डिस्टेंस पर है और 70-80 किलोमीटर के आसपास है, एंड ये टूवर्ड्स सूरत है। सूरत से के रास्ते में मनोहर पड़ता है, वहाँ से राइट लेके एक जगह है वाड़ा करके, ये जगह भी बड़ी मुश्किल से अपने को मिला क्योंकि और किसी जगह पे अपने को बुकिंग नहीं मिलती थी। इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, लोगों ने बहुत पहले से अपना बुकिंग कर रखा था, तो किसी तरह अपने को ये एक विला मिला है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। तो अभी बस यहाँ से नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और अपने को तकरीबन 2:30 बज जाएगा, अभी 12:30 हुए हैं, 2:30-3 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं वाड़ा में। वाड़ा में एक प्रॉपर्टी हमने बुक किया है जिसका नाम है टियारा फार्म्स। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, और इनका यहाँ पे एक विला है, और विला के साथ साथ इनके बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है जो इसी इनके कैंपस कंपाउंड में है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। ये विला की अगर बात करोगे तो मुझे ये एयरबीएनबी से मिला है, और ये जो बुकिंग हुआ है ये मैंने 2 नाइट्स का और 3 डेज़ का बुकिंग किया है, और इनके पास 3 बेडरूम विला है जहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड विला है, और कुकिंग के लिए, खाने के लिए यू विल हैव कुक ओवर हियर। तो अभी चलते हैं, एक वॉक करके आते हैं इधर प्रॉपर्टी का, एक राउंड मार के आते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का अंदर का एरिया। मानसून में ऐसी जगह पे वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे पीछे इन्होंने बोला था कि इनके कुछ इस फार्म को मैनेज करने के लिए कुछ लोग रहते हैं जिनका घर उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। हाँ बा 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 संभलना सीख रहा है, खुद संभलना सीख रहा है अच्छे से। इशू बेटे बाबा नहीं है ये,
कुकड़ू कू है ये बेटा, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। कोई नहीं बेटा, गिर गया तो कोई बात नहीं। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, इक्षु, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कितना मजा आ रहा है इक्षु को। इक्षु बाय करो, सबको बोलो बाय। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कुछ उसको ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे बहुत नेचुरल ब्यूटी हो, एक प्रॉपर गांव वाली जगह जो एकदम रस्टिक प्लेस हो। इक्षु गो, गो पापा, मम्मी आ रहे हैं आपके पीछे, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं, चलो। हाँ कोई बात नहीं, हाथ में इसके बहुत मिट्टी लग गई है, चलेगा, हो गया साफ। ये वाला वॉक जबरदस्त था, बड़ी सेनिया। हाँ डेफिनेटली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, हाँ बट अच्छा लगा बहुत, क्योंकि हम लोग सोच के आए थे कि हमें एक विलेज एरिया का एक्सपीरियंस लेना है, तो बाहरी विलेज एरिया का है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो। सो एंड खासतौर से इक्षु को एंजॉय करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से बतख की आवाज़ कोई कॉपी कर रहा था ना, तो वो बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब हाईली रिकमेंडेड अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आना चाहते हैं ना, अभी तो बहुत ही सुंदर जगह है। इतनी अच्छी है ना कि सोने का भी मन नहीं कर रहा है, सो के क्यों टाइम वेस्ट करना है, थोड़ा इस जगह को एंजॉय कर लेते हैं। तो इसलिए मैं उठकर आ गया नीचे, और नेहा और इक्षु पहले से ही नीचे थे, वो गार्डन में घूम रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ये नंगे पांव घूम रहे हैं। नहीं इक्षु बेटा, टच मत करना उसको। इसी फार्म में जो केयर टेकर हैं आगे, वो उनका एक घर है, ट्रेडिशनल स्टाइल, छोटा सा झोपड़ी सा टाइप होता है ना, पक्का है बट ऊपर से टीन शेड है। तो वहाँ पे एक आंटी थे, वो अभी भिंडी बना रहे थे चूल्हे पे, जो ऑथेंटिक लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना उस पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में गैस है क्या, तो गैस उनके पास है बट वो बाटला जो है अभी उनका भरा हुआ नहीं था, तो इसलिए वो आज चूल्हे पर बना रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात हम थोड़ा सा लेट सोए और बात बात करते हुए ऐसी 2:30 बज गया था, एंड सो गए हम, फिर और अभी 7 बजे उठे हैं। हम लोगों को लग सकता है कि गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि नेचर है, ब्यूटी है, फ्रेश एयर है, अच्छा और प्योर खाने को मिलता है आपको यहाँ पे। हम लोग कल भी बहुत वॉक किए और आज भी हमारा वॉक करके जाने का प्लान है, अभी हम लोग निकल रहे हैं उस रिवर के पास के लिए। बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग पहुँचे हैं रिवर साइड पे, बहुत बारिश चालू हो गई है, बहुत तेज, तो थोड़ा सा कैमरा और मोबाइल फ़ोन बचाना पड़ेगा अपने को, बट इट्स ब्यूटीफुल प्लेस।
हाँ इधर आओ, बहुत बारिश है, तेज बारिश है। नहीं अंदर नहीं जाएंगे भाई, बहुत ही सुंदर रिवर है यहाँ पे जहाँ पर हम लोग आए हैं। ये कौन सी रिवर है, रिवर का नाम क्या है? वैतरण। ये वैतरण रिवर है जहाँ हम लोग आए हैं और वहाँ पे देखा कुछ लोग नहा भी। बारिश बहुत तेज हो रही है बट हम लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े हैं और हम लोग अभी जब बारिश खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे उधर जाएंगे, वो जो पत्थर है वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। ये वाली जगह पे अपन लोग बैठने वाले हैं। हा 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 हा, कितने मजे आ रहे हैं। हाँ नहीं अंदर नहीं, नहा लिया हम लोग ऑलरेडी, पानी नहीं, स्विमिंग नहीं आती है हमें। तो हम लोग वैतरणी रिवर पे आके बैठे हैं, मस्त यहाँ पे बहती नदी है एकदम, और यहाँ लोग भयंकर इंजॉय कर रहे हैं। और दीदी हमारी चली गई है पानी में, उनको तैरना आता नहीं है बट वो चली गई है। सब लोगों ने अपने फेस पे मिट्टी लगा ली है जो पानी के अंदर से मिट्टी निकल कर आया था, और दीदी का कहना है कि उनका फेस सॉफ्ट हो गया है मिट्टी लगाने के बाद। मिट्टी लगाते हैं पक्का? हाँ हो गया है, सॉफ्ट हो गया, यू फील द टच, यू टच इट एंड यू फील इट, लगा दिया पता चल रहा है ना किसी के। और ये जीजा जी ने अपने फेस पे मिट्टी लगा दी, नेचुरल टैनिंग हो गई है मेरी। हां नेचुरल अनटैनिंग, अनटैनिंग हो गई है, डीटैनिंग हो गया है, डीटैनिंग हो गई है, अनटैनिंग, डीटैनिंग, डीटैन हो गया, डीटैन नहीं नहीं डीटैन, हम एडिट नहीं करेंगे। वही इशू लग रहा है मुझे। हाउ वाज एक्सपीरियंस? हां अच्छा था यार, मजा आया आते ही, एक तो बारिश हो गई मस्त वाली, अच्छी तेज बारिश में भीग गए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा रास्ता ढूंढा कि हम नदी में कहां से जाएं, कहां से उतरें, कौन सा सेफ रास्ता है, हम फिसल ना जाएं। हम लोग पहले वहां गए थे उधर की साइड, नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपने को नहीं मिला कुछ अच्छा, तो फिर ये लोग जो पीछे नहा रहे हैं ना, इन लोगों ने बोला आप इधर आ जाओ, इधर सेफ है थोड़ा, तो इन लोगों ने अपने को इधर बुला लिया। ब्यूटीफुल प्लेस, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो वैतरणी नदी मिलेगी यहाँ पे, और फ्लोइंग वाटर है, ऐसा रुका हुआ पानी नहीं है, तो साफ पानी है। अभी हम जा रहे हैं वापस, जाके देखते हैं एक शू उड़ गया होगा। बस थोड़ा उधर से आने का रास्ता ना ये वाला छोटा सा पैच है 15-20 मीटर का, जो बहुत गंदा है, बहुत स्लिपरी है क्योंकि यहाँ पे कीचड़ हो गया है, तो यहाँ पे से जब हम उतर रहे थे तो बहुत दिक्कत आया। नहीं आने 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 आराम से। हाँ तेरी तेरी झलक अशरफी, आओ जिस वे पे हम जा रहे हैं वैसे आओ। थोड़ा सा गंदा रास्ता है ये, सो फाइनली थर्ड डे एंड द लास्ट डे ऑफ दिस ब्यूटिफुल वीकेंड गेट अवे, लॉन्ग वीकेंड गेट अवे इज फिनिशिंग इन जस्ट फ्यू आवर्स। हम लोग बस अभी घर के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने किया है, पोहा खाया मस्त, और बारिश हो रही है झमाझम, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है बारिश, एंड इशू भी मजे कर रहा है, वॉक कर रहा है बारिश में। फाइनली हम लोग आज निकल रहे हैं बाड़ा से, इस ब्यूटीफुल प्लेस से, दो दिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, और अभी हम जा रहे हैं घर। सबको मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही अच्छा टाइम निकला दो दिन यहाँ पे, और हम लोग बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए बिकॉज यहाँ पे लोकेशंस थी जाने के लिए, जगह थी, मंदिर थे और वाटरफॉल्स थे, बट हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि एक तो बारिश थी और आगे का थोड़ा रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फैमिली के साथ जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक जगह हम गए भी थे बट वापस से वापस आ गए। तो अगर आप एक अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं मुंबई के आसपास, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो,
तो आई थिंक वाड़ा इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट हाँ, एक चीज़ जो मैं फील किया वो ये है कि यहाँ पे मानसून ही है जो अच्छा टाइम है आने का, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई ठंडा मौसम नहीं होता. गर्मी भी यहाँ पे बहुत होगी गर्मियों में, और अगर आप विंटर्स की बात करेंगे तो हल्का फुल्का ठंडी रहेगी, बट बारिश का जो मौसम है वही एक मौसम है यहाँ पे वाड़ा में आने का. वाड़ा में बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जो आप ले सकते हैं, बट टियारा फार्म्स जहाँ पे हम रुके हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. और यहाँ पे जो स्टाफ था, गीता हो जिन्होंने मैं खाना बना के खिलाया, जो रवि हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा और दिन में 2-3 बार आते थे, पूछते थे कुछ ज़रूरत है, कुछ जाना है, कहीं घूमना है, तो वो सब चीज़ें हमसे बात करते थे, बताते थे कि यहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और जितनी भी हेल्प हो सकती थी उन्होंने हमारी हेल्प की. तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो. अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ये वीडियो जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट और न्यू वीडियो. Thank you.